आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद मिन्नी ने केजरीवाल खिलाफ मोर्चा खोलदा केजरीवाल नूं तानाशाह दा दर्जा दे दिता है ते नाल ही पार्टी उत्ते विचारधारा तों भटकण दे इल्जाम भी जड़ दित्ते ने। दूजे पासे पार्टी ने मिन्नी दे इल्जामां नूं सिरे तों खारिज कर दिता है, जदकि भाजपा दा कहना है कि अगे अगे हाले बहुत कुछ होर होण वाला है। इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी के होर विधायक सुरेंद्र सिंह भी मिन्नी की हमायत उतर आए ने। आम आदमी पार्टी के बागी हुए विधायक विनोद कुमार मिन्नी ने दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस विच उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार से जम के वार किए। मिन्नी ने कहा कि दिल्ली सरकार की कहनी और कथनी विच बहुत फर्क है और दिल्ली की जनता नाल धोखा हो रहा है। इस दौरान मिन्नी ने जिथे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं तानाशाह दसिया, उथे ही सीनियर पत्रकार आशुतोष से भी सवाल खड़े किए। बिनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जेकर केजरीवाल ने जनहित के मसलों से उन्होंने सवालों का जवाब ना दिता तो वह भुख हड़ताल करेंगे। आप अवसरवादी लोग हैं, आपने हमेशा सब लोगों को यूज किया है, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी आपने अपनाई है। अन्ना जी से लेके किरण बेदी जी से लेके आपने बाकी तमाम जितने भी लोग इस पार्टी में आए, अभी भी बहुत सारे लोगों का इस पार्टी में यूज हो रहा है। आशुतोष जैसे लोग जो कल पार्टी में आए, वो कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई अवसरवादी लोगों का इसमें कोई स्थान नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आशुतोष जी से कि आपको क्या पता है इस पार्टी के बारे में, आपका क्या योगदान रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि अवसरवादी सही मायने में आप हैं आशुतोष जी, आप उस दिन पार्टी में ज्वाइन किया आपने जिस दिन ये पार्टी खड़ी हो गई, पूरे देश में लाखों हजारों लोग आपके पीछे खड़े हैं। अब आप हैं अवसरवादी, विनोद कुमार बिन्नी अवसरवादी नहीं है। विनोद कुमार बिन्नी उस दिन इस पार्टी में आया जिस दिन पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। आज के सही 10 दिन बाद दिल्ली की जनता से आपने जो प्रॉमिसेस किए थे, आपने जो बिजली के जो 10,52,000 लोगों ने जो आपको समर्थन दिया था बिजली और पानी के मुद्दे पे, अगर उन सब लोगों के बिजली के बल के माफ नहीं हुए और उन लोगों के जो पानी जो आपने पहले स्कीम बनाई थी जिसकी बिहार पे आपने दिल्ली की जनता से वोट मांगा था, आपने कहा था 700 लीटर बिना किसी कंडीशन के हर आदमी को घर में पानी फ्री मिलेगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं होगी। आपको 26 तारीख से पहले पहले अन्ना जी वाला जल लोकपाल इस दिल्ली में पास करना होगा स्पेशल सत्र बुला के। आपको महिला सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स बनाने की पहल शुरू करनी होगी 10 दिन के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 27 तारीख से विनोद कुमार बिन्नी जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल अनशन के लिए बैठेगा सरकार के खिलाफ। देखो, अरविंद केजरीवाल काफी सुलझे हुए आदमी है, ईमानदारी की प्रतीक है, और विनोद कुमार बिन्नी है, उन्होंने भी जो पार्षद जो रहे हैं वो उनकी भी अपनी पहचान रही है और उन्होंने स्वराज चलाया है और वो हमारे साथ रहे हैं। तो कोई अगर मतभेद अगर कोई ऐसी बात आ गई है तो उन्होंने बिन्नी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए मीडिया के सामने जाके, तो पार्टी के खिलाफ जैसे इस तरह से एकदम मोर्चा खोल देना। आप भी मानते हैं विनोद कुमार बिन्नी ने जो तरीका अपनाया वो गलत था? हाँ, वो तरीका गलत है, पॉइंट चाहिए पर तरीका गलत है। दूजे पासे विनोद बिन्नी दे पत्रकार सम्मेलन तो बाद सवालों का जवाब देने लई आम आदमी पार्टी ने भी पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के आगू योगेंद्र यादव और हाल ही विच आप विच शामिल होए आशुतोष मौजूद सन। चयन की प्रक्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है, चयन समिति की पहली बैठक आज किसी वक्त होने की संभावना है। उससे पहले यदि कोई साथी जानता है कि कौन कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ हो गए हैं, मुझे भी दे दीजिए सूची, मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं भी उस चयन समिति में बैठ रहा हूँ, तो मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्या निर्णय कर लिए हैं। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन भी मैंने सवाल का जवाब दिया था। इतिहास के इस मौके पर जब मुझे ये लग रहा है कि इतिहास एक बहुत बड़ी बदलाव की तरफ हो रहा है, उस वक्त अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा हूं और उसको अगर कोई अवसरवादी कहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं, उन्हें मुझे अवसरवादी कहने के लिए, सर वो मेरा मेरी अंतरात्मा साफ है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं मैदान में। उधर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के आगू इस पूरे मामले ते चुटकियां लेते नजर आए। हम तो सर बहुत दिन से कह रहे थे शुरू से कि सड़क पे खड़े होकर किसी पे भी कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है, मैं सही हूँ बाकी सारी दुनिया गलत है। अब जो उनके अंदर की बातें थी अब वो सारी बाहर निकल के आई और बिन्नी साहब ने जो बातें कही वो बुनियादी तौर से उस पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको सारी चीजों का इल्म था। तो एक झूठ का पुलंदा उन्होंने सबके सामने रखा कि किस तरह दिल्ली की जनता को इन्होंने धोखा दिया। बहुत सारी घोषणाएं की थी
बहुत ही लोगों के मन में उम्मीद दी थी, लेकिन आज ये खुद जो कहते थे कि हम एक हैं, आज बिखरे हुए हैं। इनके पार्टी में अलग अलग लोग अलग अलग स्वरों में बात कर रहे हैं, चाहे वह बिन्नी हो या इनसे जुड़ी हुई मल्लिका साराभाई हो, कैप्टन गोपीनाथ हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इनके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो अब देखना है आगे होता है क्या, दीजिए थोड़ा समय और दीजिए, अपने आप असलियत सामने आएगी। इतना बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि झूठ के झाड़ से झाड़ू का झुंझुना बहुत दिन नहीं चलता। अब जिस तरह से झूठ के झाड़ से वो झाड़ू का झुंझुना बजा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, सपनों के सौदागर बन के आए, वो एक के बाद एक कलई खुल रही है। इसलिए जो है वो सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कांग्रेसी फूलों से। तो इसलिए जो है इस बात को उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, जो लोग जो है हिट एंड रन की पॉलिसी के साथ अब तक आए, आरोप लगाओ और भागो, झूठ बोलो और भागो, वो सारी चीजें एक के बाद एक खुद उनके लिए जो है वो भारी पड़ रही है। दस दिए कि सरकार बनने तो पहला जदों मंत्रियों के नाम तय हो रहे सन उदों भी बिन्नी ने बागी तेवर दिखाए सन, अते बाद विच उन्हां नूं मना लिया गया सी, पर इस बार वह खुल के बगावत उत्ते उतर आए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएन नाइट न्यूज। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।